ये व्हाट्सअप गाइस सभी लोग मेरे चैनल सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला अपने इंडियन कार्ड्स मीडिया 3D गेम के अंदर जितने भी सेटिंग्स है सारे के सारे सेटिंग्स कैसे वर्क करते हैं और नए सेटिंग्स कहां पर मिलेंगे आप लोगों से सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें तो बिना किसी के चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेटिंग्स करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जाना है सेटिंग्स पर। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा क्वालिटी, जो कि आप लोग अपने फ़ोन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, हाई लो मीडियम जो भी करना है आपके फ़ोन के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना। सेकंड ऑप्शन आता है आपका वॉल्यूम का, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो सेकंड ऑप्शन वॉल्यूम का जो है ना, ये आप मतलब गेम के अंदर जो म्यूज़िक बजता है ना वो उस चीज़ के लिए है, तो आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो थर्ड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ ये है कैमरा सेंसिटिविटी, तो इसको अगर आप लोग ज़ीरो कर देते हो तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने मतलब कैमरा को घुमा रहा हूँ, लेकिन भाई घूमने का नाम ही नहीं ले रहा कैमरा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से कैमरा घूम रहा है, जो कि यही चीज़ के वजह से हो रहा है ज़ीरो करने की वजह से। फोर्थ चीज़ जो है वो है प्लेयर स्पीड, तो इसको अगर आप लोग फुल कर देते हो तो आपका प्लेयर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, लाइक यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो अपना प्लेयर है और बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, लाइक आप लोग सोच सकते हो कि ये शक्तिमान बन गया इस टाइप से ये चल रहा है, तो यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड से ये चलता है। तो उसके बाद आता है फिफ्थ ऑप्शन बटन ट्रांसपेरेंसी, तो इसको अगर आप लोग ज़ीरो कर देते हो तो आपका जो गेम के बटन्स है ना वो हाइड हो जाते हैं 90% तक। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 90% तक आपके बटन्स हाइड हो चुके हैं, तो इस टाइप से ही आपका ये बटन ट्रांसपेरेंसी वाला वर्क करता है। एंड फिर सिक्स्थ ऑप्शन आता है स्टेयरिंग सेंसिटिविटी, तो मैं आप लोगों को अभी फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो अपना स्टेयरिंग कितना ज़्यादा स्लो तरीके से जगह में आ रहा है, लाइक आप लोग घुमा तो सकते हो एकदम स्पीड से, लेकिन भाई जगह में आने में यार पूरे 3 दिन लगा देगा ये। तो हाँ, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग इसको 80% रखो तो ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद आता है सेवेंथ ऑप्शन कार कंट्रोल, तो ये आप लोग स्टेयरिंग मिल जाएगा आप लोगों को, दूसरा मिल जाएगा टच कंट्रोल, तीसरा मिल जाएगा जायरो कंट्रोल। तो ये है आपका स्टेयरिंग कंट्रोल का गेम प्ले, ये है आपके टच कंट्रोल का गेम प्ले, एंड ये है आपके जायरो कंट्रोल का गेम प्ले। अभी कहोगे कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्टेयरिंग भी नहीं है, टच भी नहीं है, भाई यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को, आपका जो फोन है वही आपका स्टेयरिंग बन जाएगा। लाइक अगर आप लोग अपने फोन को राइट की तरफ मोड़ोगे तो आपका गाड़ी राइट में जाएगा, लेफ्ट की तरफ मोड़ोगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो ऐसा ही सिस्टम मिल जाएगा आप लोग। उसके बाद एट्थ सेटिंग आती है गियर ऑन ऑफ, तो यहाँ पर आप लोग अगर गियर को ऑन कर देते हो तो आपका मैनुअल गियर आ जाएगा, ऑफ कर देते हो तो ऑटोमेटिक गियर आ जाएगा। तो ये रहा आपके मैनुअल गियर का गेम प्ले, और यहाँ पर आप लोग अपने स्पीड के हिसाब से गियर को एडजस्ट कर गाड़ी को चला सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड ये रहा आपके मैनुअल गियर का गेम प्ले, जो कि यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। फिर आप लोगों को मिल जाएगा एट्थ ऑप्शन डे ओनली, तो इसको अगर आप लोग ऑफ कर दे तो आपके गेम में दिन रात का रोटेशन चलते रहेगा, दिन भी होगा रात भी होगा, और ऑन कर दो तो आपके गेम में सिर्फ दिन ही रहेगा, रात नहीं होने वाला। तो लाइक आप लोग इसको ऑफ कर दोगे तो आपके गेम के अंदर लाइक आप लोग ऐसा खेल रहे हो और फिर अचानक से थोड़ा सा एक सेकंड के लिए लैग होगा, फिर आपके गेम में रात हो जाएगी और आप लोग अपने हेडलाइट का भी मजा ले सकते हो रात होने के बाद। फिर आता है नाइन्थ एंड लास्ट ऑप्शन फिर से डे ओनली, भाई मैं बता रहा हूँ रेडिंग स्टूडियो ने इसको सस्ते नशा करके बनाया है भाई, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोना। डोंट वरी, ये है गेम मोड का, तो इसमें आप लोग सबसे पहले मिलेगा सिमुलेटेड, तो लाइक आपका गेम जो है ना वो रियल लाइफ की तरह आप लोगों के साथ बिहेव करने वाला है, इसको अगर आप लोग सिमुलेटर में कर देते हो। रेसिंग मोड में आप लोगों को जो गाड़ी का स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट हो जाएगा आपका गाड़ी का स्पीड, जो कि यार एकदम खतरनाक है। और अगर आप लोग हैवी ड्राइवर हो तो आपके लिए ड्रिफ्ट मोड एकदम सही रहेगा, बस ड्रिफ्ट मारते रहना, किसी को कुछ नहीं होने वाला भाई। और फिर अगला जो मोड है वो आता है आप लोगों का सेमी मोड, तो लाइक आप लोग अगर इसको ऑन कर देते हो तो आपके जो गेम में मैंने सिर्फ दो ही डिफरेंस नोटिस किए, लाइक आपके गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी और दूसरी आपके जो मतलब गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मुड़ जाती है थोड़ा सा मोड़ने पर ही। तो और लास्ट है आपके फन मोड, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई गाड़ी का जो बैक है वो ब्रेक के साथ उठ रहा है,
तो वो लोग भाई इस फन मोड से अपने गेम को हटाओ, क्योंकि भाई फन मोड में आपके गाड़ी का बैक ऑब्वियसली उठेगा ही भाई। तो मैं आप लोगों को समझा दूं ये फन मोड का मतलब क्या है। इसमें आप लोगों का गाड़ी का जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगा, गाड़ी को ड्रिफ्ट कर सकते हो, गाड़ी के साथ डांस कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को करने को मिलेंगी। तो होप्स आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई है। तो यार समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना चाहेंगे, सपोर्ट करने का मानना चाहेंगे, ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना यार।